बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इतनी बड़ी संख्या में आप सभी यहाँ पर और काफ़ी देर से यहाँ पर आए हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है, वरना हम टेक्सास में ही कर लेते उस स्टेडियम में, पर अब मुश्किल है। ये जो इलेक्टोरल फंड बॉन्ड आया है उसके बाद से तो ये ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम करने की हैसियत नहीं रहेगी, और ऑडिटोरियम की जो स्थिति है वो देखकर मैं समझ गया कि क्यों फीस बढ़ानी पड़ी। क्योंकि भारत के इस श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर तो नहीं है ना यहाँ, अगर ऑडिटोरियम और इस तरह के हॉल पर्याप्त तरीके से रखरखाव के साथ ना हो ठीक नहीं लगता है। लेकिन इसके बाद भी आप वीसी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वीसी बनने के बाद ऑडिटोरियम ही बनाओ। सुनील जी के साथ आपने मेरी तुलना कर दी, पर ऐसे लोग हम लोगों से काफ़ी अलग होते हैं जो अपने कमिटमेंट को सब कुछ छोड़ कर निभाते हैं, और इसीलिए हम सब के लिए कई बार हैरानी बन जाते हैं कि ऐसा कोई शख्स है जो हर तरह की प्रतिभा होने के बावजूद सब कुछ छोड़ता हुआ चला जाता है और अंत में इतना छूट जाता है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए आप जब वीडियो देख रही थी या देख रहे थे तब आपने महसूस किया होगा कि कितनी कम रिकॉर्डिंग है। जिनके सिर्फ भाषण ही भाषण है उनके सदियों तक की रिकॉर्डिंग हो गए हैं इस देश में, जिनका कोई काम नहीं है ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर कुछ काम किया, करने का प्रयास किया, उनकी रिकॉर्डिंग कितनी कम है, ये मैंने उनके बारे में नहीं, ये मीडिया के बारे में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए ये बताता भी है कि जो हमारे लोकतंत्र को लोगों के बीच रहकर सिंचित करते रहे, समृद्ध करते रहे, उन पर इस मीडिया का ध्यान कितना कम होता है। यही आगे के बातों में आप समझ पाएंगे कि दरअसल लगता ज़रूर है कि लोकतंत्र का सारा कुछ मीडिया के ज़रिए चल रहा है, पर ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ है जो उसके बाहर भी चल रहा है। तो 17 जनवरी 2017 को जब ट्रंप साहब निर्वाचित हुए थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, तो उन्होंने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक रैली बुला ली और काफ़ी उसके दावे हुए, और लेकिन उसके तुरंत बाद अमेरिका की प्रेस यूनियन ने, और उसमें फोटो जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन, हर तरह के संगठन थे, उन्होंने एक पत्र लिखा राष्ट्रपति को, और उसमें साफ साफ लिखा कि आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं लेकिन आपकी हरकतों से लग रहा है कि आपका, वैसे वो पत्र यहाँ भी लिखा जा सकता था पर नहीं लिखा गया, तो लोगों ने पत्र लिखा कि आपकी हरकतों से लग रहा है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट और प्रेस के बीच के संबंध बड़े तनावपूर्ण होने वाले हैं, आप रिपोर्टर का मजाक उड़ा रहे हैं, मानहानि की धमकी दे रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे रिश्ते अब वैसे नहीं रहेंगे जो पहले रहे हैं, तो आपको अपना ग्राउंड रूल्स बनाने का हक है, हमको भी है। ये अमेरिका का प्रेस, जिसकी कई संदर्भों में हम उसकी आलोचनात्मक समीक्षा भी करते हैं, इराक युद्ध जैसे, तो पत्रकारों ने लिखा कि हम पूरे अमेरिका में फैल जाएंगे, अगर आप व्हाइट हाउस अपने सरकारों में हमें घुसने नहीं देंगे तो हम पूरे अमेरिका में फैल जाएंगे और वहां से स्टोरी निकाल कर हम आपको अकाउंटेबल बनाएंगे, जवाबदेह बनाएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। एक साल बाद ट्रंप साहब की हरकत में कोई सुधार नहीं आया, तो द बॉस्टन ग्लोब नाम के अमेरिका का काफी ऐतिहासिक अखबार है, उसके नेतृत्व में 300 से भी ज्यादा छोटे बड़े अखबारों ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर संपादकीय लिखे और सबका कंटेंट अलग था। अभी भी आप वेबसाइट पर जाएंगे वेस्टर्न ग्लोब अखबार के, तो आपको उस अखबार से के ये 300 एडिटोरियल्स आपको मिलेंगे, और इसमें ये ध्यान रखा गया कि इसमें जो छोटे अखबार हैं, जो लोकल अखबार हैं, उनको भी शामिल किया जाए। तो ये बड़ी बात थी कि 300 अखबार उस अमेरिका में एक साथ आए प्रेस की अभिव्यक्ति के लिए,
और उन्होंने एक दिन एक नज़रिए से संपादकीय लिखा। फिर भी कोई बदलाव दुनिया में नहीं आया, लेकिन इस जून में जब ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर में छापा पड़ा और न्यूज़ कॉर्प के पत्रकार के घर छापा पड़ा, तो अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के सभी अखबारों ने अपना पहला पन्ना खाली सा छोड़ दिया। कुछ लिखा हुआ था लेकिन काले रंग से रंगा हुआ था, जिससे वो सेंसरशिप का बोध होता है। तो वहाँ का प्रेस जो है, और वो टीवी में भी हुआ, अखबारों में भी हुआ, अपनी प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस को भुलाकर लोगों ने प्रेस की आज़ादी को सबसे आगे रखा। तो वहाँ का प्रेस जो है अपनी सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए और अपने आप को प्रेस बनाए रखने के लिए लड़ रहा था, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी समझ थी कि लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो जवाबदेही पर टिकी होती है। और जवाबदेही का पता सिर्फ एक चीज़ से चलता है कि जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब सीधे सीधे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये तीन बड़ी घटनाएं उस दौर में हुई जब दुनिया के कई देशों से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ख़त्म हो रही थीं और कॉरपोरेट अपने टेक्नोलॉजी के ज़रिए न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन के कारोबार को कंट्रोल कर रहा था। अब तो वो खेल कहीं और भी ज़्यादा जटिल हो गया है। लेकिन विश्वगुरु भारत क्या कर रहा था उस वक्त, ये कैसा विश्वगुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है, कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई, पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा था, तो वहां का मीडिया जो है इधर भारत का सत्ता के आगे समर्पण कर रहा था। वह सवाल विरोधी असहमति विरोधी हो रहा था। अब आप याद कीजिए 2014 से कि क्या यहाँ की मीडिया में हो रहा था। थैंक यू। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लड़ रहा था। लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? लड़ रहा था। अभी तक भारत के लोकतंत्र पर समय समय में खतरे आए हैं, लेकिन हमने उन खतरों को विधायिका के कुछ हिस्सों की हरकतों की वजह से देखा, कार्यपालिका के कुछ हिस्सों की हरकतों की वजह से देखा और न्यायपालिका की हरकतों की वजह से भी देखा। क्या पता आगे देख लें। और लेकिन भारत ने कभी भी मीडिया के जरिए इसके लोकतंत्र पर हमले का स्वरूप नहीं देखा था। 1975 का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन 1975 में संस्थाएं पहले ध्वस्त हुई और उसके साथ मीडिया को ध्वस्त किया गया। 2014 के बाद मीडिया के जरिए लोगों में बचे हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा था। और जब भी ये बात उठती है तो आप 1975 से उसकी तुलना कर देते हैं, जो सही नहीं है। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और अपने जगह पे उनकी समीक्षा की जा सकती है, मगर 75 के उदाहरणों से आप 2014 के बाद की मीडिया की हरकतों को आप नहीं समझ सकते हैं, उचित ठहराना तो दूर की बात है। तो ये 5 साल का जो मीडिया है, इसने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। उसके बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर, जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया, तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमीं की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे, हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं, अनलेस कि आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो। आप नहीं कर सकते हैं। आप उनके समर्थक भी होंगे तो भी आप इस मीडिया पे गर्व नहीं कर सकते। उनके समर्थक भी मुझसे कहते हैं कि ये क्या मीडिया है, हमें ये देखा नहीं जाता है। वो सबसे ज्यादा दुखी हैं आप लोगों से भी ज्यादा।
तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्मविश्वास तोड़ दिया। जब आप हताश होकर टीवी पर देख रहे थे कि सच्चिदानंद जैसे लेखकों, अशोक वाजपेयी जैसे लेखकों की प्रतिक्रिया पर हमले हो रहे थे और उन्हें अपराधियों के गैंग में बताकर पेश किया जा रहा था, तो आम आदमी का उस वक्त सवाल पूछने का आत्मविश्वास टूट रहा था। और ये सिर्फ दिल्ली के चार चैनलों से नहीं हो रहा था, बल्कि ये काम देश की अलग अलग भाषाओं में चलने वाले सैकड़ों चैनलों के जरिए हो रहा था। और इस पूरे विश्लेषण में, मीडिया के विश्लेषण में, जो इस वक्त के जो सबसे बड़े अपराधी हैं, हिंदी के अखबार, उनके जरिए हो रहा था। क्योंकि सारी आलोचना एंकरों की तरफ चली जाती है, टीवी चैनलों की तरफ चली जाती है, लेकिन इस दौरान हिंदी के अखबारों ने हिंदी की जनता के साथ क्या हरकत की है, ये शर्मनाक है। उन्हें अंधेरे में, पूरे हिंदी प्रदेश को अंधेरे में धकेलने का काम इन हिंदी के अखबारों ने किया है आपराधिक रूप से। तो इसके, इनके एडिटरों का आप नाम नहीं जानते होंगे, मगर आप इनके संपादकीय से पहचान लेंगे कि ये किससे पूछकर आजकल लिख रहे हैं। तो सत्ता से डरने वालों की तादाद भारत में बढ़ा दी गई और भारत का मीडिया इसके बीच धीरे धीरे खुद भी खत्म होने लगा। जो एक तरफ से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, वो भीतर भीतर खुद भी खत्म हो रहा था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।